नमस्ते, कंपनी 360 के यूट्यूब चैनल में मैं अनिरुद्ध आपका स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है कॉपीराइट एक्ट और म्यूजिक सैम्पलिंग। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सैम्पलिंग एक प्रक्रिया के रूप में वर्षों से अस्तित्व में है, लेकिन हाल ही में इंटरनेट पर म्यूजिक रिकॉर्ड की आसान उपलब्धता के साथ कैजुअल लिसनर जैसे कि आप और मैं ने इस प्रैक्टिस को नोटिस करना शुरू किया है। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी सैम्पलिंग को साउंड रिकॉर्डिंग के एक छोटे से हिस्से को लेने और नई रिकॉर्डिंग के एक हिस्से के रूप में डिजिटल रूप से हेरफेर करने की प्रक्रिया के रूप में डिफाइन करती है। ओरिजिनल कॉपीराइट होल्डर की सहमति के बिना किसी म्यूजिक वर्क का सैंपल लेना होल्डर के कॉपीराइट का इंफ्रिंजमेंट होगा। इस तरह के इंफ्रिंजमेंट को स्थापित करने के लिए कॉपीराइट होल्डर को न केवल अपने अधिकारों को स्थापित करना होगा, बल्कि ये भी दिखाना होगा कि इंफ्रिंजमेंटकर्ता ने पहले से मौजूद काम के एक बड़े हिस्से की कॉपी की है। विभिन्न मामलों में सब्सटेंशियल सिमिलैरिटी तय करने के प्रश्न पर चर्चा की गई है। एपेक्स अदालत ने RG आनंद बनाम डिलक्स फिल्म्स में माना कि इन्फ्रिंजमेंट के प्रश्न को तय करने के लिए दर्शकों का टेस्ट सबसे विश्वसनीय टेस्ट है, और जहां रीडर, व्यूअर या स्पेक्टेटर दोनों कार्यों को पढ़ने या देखने के बाद स्पष्ट रूप से राय रखते हैं और अचूक इम्प्रेशन प्राप्त करते हैं कि बात का काम ओरिजिनल की कॉपी प्रतीत होता है, तो एक स्पष्ट मामला बनाया जा सकता है। अदालत ने आगे कहा कि जहाँ थीम एक ही है लेकिन अलग तरह से प्रस्तुत और ट्रीट किया जाता है ताकि बात का काम पूरी तरह से नया काम बन जाए, वहाँ कॉपीराइट के इंफ्रिंजमेंट का कोई सवाल नहीं है। जहाँ तक सैम्पलिंग का सवाल है, दिल्ली हाई कोर्ट इंडिया टीवी इंडिपेंडेंट न्यूज सर्विस लिमिटेड बनाम यशराज फिल्म्स लिमिटेड केस में डे मिनिमिस के बचाव पर चर्चा करती है। यह कानूनी मैक्सिम डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स पर आधारित है, जिसका अर्थ है कानून खुद को ट्रैफल से संबंधित नहीं करता है। अकॉर्डिंगली जब दावा किया गया इन्फ्रिंजमेंट बहुत तुच्छ या महत्वहीन है तो डी मिनिमिस की अवधारणा लागू होगी। हालांकि डी मिनिमिस का बचाव कोई जादू की छड़ी नहीं है और केवल बचाव की गुहार लगाने से कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के दावे से इम्यूनिटी की गारंटी नहीं होगी। इंडिया टीवी मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन 5 फैक्टर्स को इलैबोरेट किया जिन पर अदालत विचार करेगी जब एक पक्ष द्वारा डी मिनिमिस बचाव को आगे रखा जाएगा। ये फैक्टर्स है, पहला नुकसान का आकार और प्रकार, दूसरा न्याय निर्णय की कॉस्ट, तीसरा इन्फ्रिंजमेंट की गई लीगल ऑब्लिगेशन का उद्देश्य, चौथा तीसरे पक्ष के कानूनी अधिकारों पर प्रभाव, तथा पांचवा गलत करने वाले की मंशा। ये फैक्टर्स इस प्रिंसिपल पर निर्भर है कि कॉपीराइट के तुच्छ और मामूली उपयोग को दंडित नहीं किया जाना चाहिए और निर्णय लेने से पहले इस तरह के उपयोग के आसपास के फैक्टर्स पर विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा कॉपीराइट अधिनियम डॉक्ट्राइन ऑफ फेयर डीलिंग के साथ सैंपल लेने वालों की सहायता के लिए भी आ सकता है। सेक्शन स्पष्ट रूप से कुछ ऐसे एक्ट्स का निर्धारण करती है जो इन्फ्रिंजमेंट का गठन नहीं करेंगे। फेयर डीलिंग का गठन करने वाले एक्ट्स में न्यायिक कार्रवाई के लिए कॉपीराइट किए गए कार्य का रिप्रोडक्शन, नॉन पेइंग दर्शकों के लिए एक शौकिया क्लब द्वारा प्रदर्शन या एक धार्मिक संस्थान के लाभ के लिए एक कॉपीराइट कार्य का रिप्रोडक्शन शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। कुल मिलाकर जबकि सैम्पलिंग की प्रथा आज के कलाकारों के बीच इन थिंग बन गई है, न्यायपालिका और सर्वे प्रोविजंस ने स्पष्ट रूप से सुनिश्चित किया है कि इस तरह के सैंपल कॉपीराइट होल्डर के अधिकारों के इंफ्रिंजमेंट की कीमत पर नहीं है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की है, भारत में स्थिति कॉपीराइट होल्डर को कॉपीराइट पर निरंकुश अधिकार देने की नहीं है, जिससे क्रिएटिविटी प्रभावित होगी। यही वजह है कि डी मिनिमिस जैसे बचाव मौजूद है। अकॉर्डिंगली होल्डर के अधिकारों और बड़े पैमाने पर जनहित के बीच संतुलन बनाने के लिए एक कॉन्शियस एफर्ट किया गया है। तो अगली बार आपको जब कोई धुन किसी गाने से बेहद परिचित या प्रेरित लगे तो आप यह जांचना चाहेंगे कि यह सैम्पलिंग या क्लियर कट इन्फ्रिंजमेंट का मामला है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको इस विषय के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट को भेज दे सकते हैं या सोशल मीडिया, ईमेल या यहाँ दिए गए फ़ोन नंबर से हमसे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए मेरी और कंपनी 360 की ओर से धन्यवाद।